मध्य प्रदेश के खंडवा से। खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर देश भर से आते हैं लाखों भक्त। दादाजी धुनी वाले धाम है जो भक्तों का आस्था का केंद्र है। यहाँ भक्त निशान लेकर पहुँचते हैं और समाधि स्थल पर निशान अर्पित कर मत्था टेकते हैं। इनमें कई ऐसे भक्त भी हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की नंगे पैर पद यात्रा करते हुए खंडवा पहुँचते हैं। छिंदवाड़ा जिले के पाडुना से करीब 450 किलोमीटर की एक माह के नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए हाथों से दादाजी के रथ को खींचते हुए खंडवा पहुंचे। खंडवा में दादाजी धुनी वाले धाम है जहां बड़े दादाजी और छोटे दादाजी की समाधि है। दादाजी के प्रति लोगों की अपार आस्था है। यहां हर साल गुरु पूर्णिमा पर लाखों भक्त शीश नवाने आते हैं। बीते कोरोना काल में जरूर इन भक्त नहीं आ पाए थे, पर इस बार सारी पाबंदियां हटी हुई हैं। इसी को लेकर भक्तों का खंडवा पहुंचना शुरू हो गया है। यहां 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाएगा। ज्यादातर भक्त हाथों में निशान लेकर नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए यहां आते हैं। ऐसे ही भक्त छिंदवाड़ा जिले के पाडुना से करीब 1952 से लगातार हर साल दादाजी का रथ और निशान लेकर नंगे पैर हाथों से रथ खींचते हुए 450 किलोमीटर की एक माह की यात्रा करते हुए खंडवा पहुंचे। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 15 से 25 किलोमीटर चले। ऐसे ही पैदल चलते चलते यह लोग यहां आए। पाडुना के भक्त मनोहर अलमकर ने बताया कि पहले हमारे बुजुर्ग और अब हम और हमारे बच्चे यह परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दादाजी के प्रति आस्था ही है, जो आज तक ऐसा कोई साल नहीं गया जब हम यहाँ गौरी पूर्णिमा पर नहीं आ पाए हों। हम लोग पांडुना से आ रहे हैं और पांडुना यह छिंदवाड़ा जिले में आता है। और सर 51 से दादाजी महाराज का निशान आ रहा है और हमारे जो बुजुर्ग थे उन लोगों से हमको प्रेरणा मिली हुई है। और हमारे बुजुर्ग को ये मान के चलो कि 50 साल के करीबन उन्हें निशान लेके आए हुए हैं। उसके बाद हमारा नंबर लगा हुआ है। और जी मैं 63 साल से, मेरा रनिंग 63 साल चल रहा है। और मैं मम्मी के गोदी 9 साल का था जब आया था। जब से मेरी यात्रा दादाजी महाराज की कृपा से एक भी खंडित नहीं है। लोग ये मान के चलो कि 14 तारीख को निकले थे घर से और प्रतिदिन हम लोग 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, हमारे सब स्टॉपेज बने बनाए हैं। हम लोग के साथ 40 लोग हैं। हमारे बुजुर्गों ने भी दादाजी की खूब सेवा किया और हम लोग भी दिलो जान से दादाजी महाराज की सेवा करते हैं। और हमारा लड़का है पीयूष शर्मकर, सो दादाजी की सेवा में जुड़ा हुआ है। और यह है मैं गुरु, हमारा नाती, हम सो इच्छा से दादाजी महाराज का निशान लेके आते हैं। और दादाजी महाराज जब तक के निभाते हैं तब तक के हमको करना ही करना है। इनके साथ बड़ी संख्या में भक्त यात्रा करते हुए हैं, हर साल यहाँ आते हैं। ऐसे ही दादाजी के युवा भक्तों ने बताया कि दादाजी के प्रति हमारी बड़ी आस्था है। इसी को लेकर हम लोग नंगे पैर पैदल यात्रा करते हुए दादाजी के रथ को हाथों से खींचते हुए खंडवा हर साल आते हैं। मैं 3 महीने से आ रहा हूँ, गोद में आया था। अभी 29 यात्रा हो गई है। पैदल आते हैं दादाजी का रथ लेके। हम दादाजी के प्रति आस्था रखते हैं और पैदल लेके आते हैं धक्का मारते हुए। और हाँ, 450 किलोमीटर आते हैं पैदल, धक्का मारते लेके आते हैं नंगे पाँव। 1952 में चालू हुई थी पदयात्रा, उसके बाद पापा लेके आते थे, उसके बाद हम तीसरी पीढ़ी। दादाजी के प्रति मेरे मन में बहुत ही आस्था है, वही सब कुछ है हमारा और उन्हीं को ही हम सब मानते हैं। बैतूल से आ रहे हैं हम और काफ़ी सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बैतूल से आते हैं और मेरे पापा भी निशान लेके आते हैं बैतूल से, और हम लोग वहाँ से ही पैदल पैदल आते हैं।